यस सर। किस कंपनी में जा रहे हो आप लोग? सैलरी तो पूछ ही नहीं मैंने, पहले क्या बता रहा। काम क्या है आप लोग का? डेटा एंट्री ऑपरेटर प्लस कस्टमर सर्विस, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, किसको उसको पता है सर? सर कोई भी डेटा होता है उसको एक्सेल में कन्वर्ट कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट नहीं होता, मेंशन करना पड़ता है। और डेटा टाइप में पूछ लीजिए सर, न्यूमेरिकल डेटा होता है और जैसे अपने अल्फाबेटिक होता है और भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कीबोर्ड पे, उन सबको डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलो। सारा सैलरी क्या है? 1500 प्लस फूड। ड्यूटी कितने घंटे है? 8 प्लस 6 घंटा दिन छोड़ दो उसमें सर। आप लोग का एग्रीमेंट कितने साल का है? 2 साल का पूरा एग्रीमेंट है आप लोग का, ठीक है। 2 साल तक आपका जिम्मेदारी कंपनी एजेंसी का है, ठीक है, हमारे यहाँ का। मतलब आपका वीजा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है हम जिम्मेदार है, सैलरी से रिलेटेड हम जिम्मेदार है, बशर्ते आप लोग कंपनी शर्तों पे हो तो। कंपनी की जो ड्यूटी की कंडीशन है, यूनियन बाजी नहीं करनी है, उसकी जो ड्यूटी टाइमिंग है, जो कंपनी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, अगर उन सब चीजों को आप फॉलो करते हो तो एजेंसी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। यूनियन बाजी करते हो, 10 की ड्यूटी 10:30 बजे पहुंचते हो, महीने में 4 छुट्टी की जगह 10 छुट्टी मार रहे हो, तो हम कोई जिम्मेदार नहीं, ठीक है। जो आपके ऑफर लेटर पे वो सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो, 2 साल तक हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। कंपनी आपका जो ड्यूटी का टाइम है 9 घंटे का, उसके बाद काम कराती है, उसका जो ओटी बनता है, जो बोनस मिलता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, करवा रही है नहीं दे रही है, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। बाकी 1500 प्लस खाना, जिम फैसिलिटी जो भी इसमें मेंशन है, सारी चीजें जिम्मेदारी, अगर नहीं मिलती तो हम जिम्मेदार है, ठीक है। उसके लिए कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, ड्रिंक स्मोकिंग कुछ चीजें ऑफर लेटर पे नहीं भी मेंशन होती है, आपकी पर्सनल होती है। जिम जो कैंप का है, आईटी में जा रहे हो उसमें तो जा नहीं रहे हो लेबर में कि कुछ भी गंदा करो, कुछ भी लेबर को भी खैर अलाउ नहीं होता गंदा करना। जो कैंप के रूल है, दारू नहीं पीना है, कैंप में मार धाड़ नहीं करनी है, गंदगी नहीं फैलानी है, खाना मिल रहा है आप वहाँ पे गैस नहीं जला सकते हो, कुछ भी इन चीजों को ब्रेक नहीं करोगे, रूल बाय रूल काम करोगे, ठीक है। इन चीजों को ब्रेक करते हो कंपनी फाइन मारती है, 1-2 बार फाइन मारेगी तो रिपोर्ट कर देगी, उस केस में नोट क्या होगा, हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। मारपीट लड़ाई झगड़े कम बकायदे जो एग्रीमेंट है उस व्यवहार पे आप चल रहे हो प्रॉपर तरीके से, हम जिम्मेदार हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप एजेंसी से बताओ, एजेंट से बताओ, उनसे बताएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन जाकर के हमारी उस वेबसाइट पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो, या और आसान है तो यूट्यूब पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, वहां से आप रिक्वेस्ट डाल दोगे कमेंट पे, तरीके से बदतमीजी नहीं है, क्योंकि वहां पे आता कभी किसी बदतमीजी से नहीं कुछ लिखा, तरीके से डालो। आपको वर्किंग डे नहीं होगा तो अलग बात है, वर्किंग डे होगा 24 घंटे में कोई कोई आपसे पूछ लेगा कॉन्टेक्ट लेके क्या प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करा देंगे, ठीक है, ओके। बाकी जैसे हमारे यहां पीएफ वगैरह कटता है तो वो वैसा भी कुछ है क्या इसमें? पीएफ वहां कैसे कटेगा, तो वहां के नागरिक थोड़ी नहीं, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है क्या जो सेविंग कर सके? सेविंग अपने घर में भेजो, बैंक में रखो, एफडी करो, उसका एक्स्ट्रा नहीं है। और साथ ही सेविंग से क्या मतलब है यार, बेवकूफी वाली बातें, मेडिकल फ्री है, एकोमोडेशन फ्री है, इंश्योरेंस फ्री है, ठीक है। बोनस होता है, बोनस उसको सेविंग मान लो, चाहे जो तरीके से काम करोगे कंपनी रूल से, बोनस दुनिया में कहीं भी हमारा भी स्टाफ अगर तरीके से रहेगा तभी बोनस मिलेगा, मालिक से ऐड करोगे बोनस क्या तो भगा देगा, ठीक है। और बेवजह के क्वेश्चन यहाँ भी कर रहे हो वहाँ भी करोगे तो इरिटेट होकर के फिर प्रमोशन छोड़ो डिमोशन कर देगा। आपसे पूछ रहे हैं नहीं, हमसे कुछ ज्यादा आप बेवजह की चीजें नहीं पूछी जाती ना, पूछने की जायज होता है। हॉस्पिटल में एडमिट करके तुरंत डॉक्टर से पूछोगे क्या पैदा करके दोगे तो उसको क्या पता, लड़की पैदा होगा लड़का पैदा होगा, अरे होने तो दो। वो इसकी वैलिडिटी खत्म होने से पहले कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसकी एक वैलिडिटी है, उस वैलिडिटी से पहले कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। वैलिडिटी ओवर होने के बाद खुद ही फाइन लग जाता है, इसलिए वैलिडिटी से पहले ही कन्वर्ट करेंगे, उसी के बीच में मेडिकल कराएंगे, स्टम्प कराते हैं पासपोर्ट पे, आपका मेडिकल आईडी बनेगा, एमरिट्स आईडी वगैरह सब सारा बनता है, जिसपे आपकी दवा फ्री होती है, मेडिकल आईडी होती है। उस चीज का अभी कंपनी ने क्लियर नहीं किया, पैसा काटेगी कि नहीं काटेगी, क्योंकि उसका 225-230 रुपए कटता है, इंडिया में कटता है, ESIC जिसको बोलते हैं, यहाँ भी अगर गवर्नमेंट में भी हो तो महीने का ESIC कटता है, तभी मेडिकल फ्री मिलता है, बट वो इतना छोटा अमाउंट होता है पता नहीं चलता, 2-3 रुपए 4 रुपए महीने का होता है, 1500 पाओगे उसमें 3-4 रुपए 5 रुपए कटेगा, तो उसमें आपको मेडिकल अनलिमिटेड फ्री होगा, बीमार होते कोई बात होगी तो आप हॉस्पिटल जाओगे कार्ड मिलेगा, एमरिट्स आईडी बोलते हैं मेडिकल आईडी, लेके जाओगे हॉस्पिटल में तुरंत दवा होगी। कंपनी के अपने भी होते हैं मेडिकल स्टोर, सॉरी वो क्लिनिक होते हैं,
उसके अलावा भी कोई बड़ी दिक्कत है तो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में जाकर के आईडी दिखाओगे दवा फ्री होती है। तो वहाँ का हॉस्पिटल यहाँ जैसा नहीं होता कि जैसे राजस्थान और इंडिया में होते, वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल भी यहाँ के मैं जानता हूँ अपोलो जैसा होता है, समझा। तो मेडिकल आईडी फ्री है आपको मिलेगी, एमरिट्स आईडी मिलेगी, खाता खोल के कंपनी देगी, इन चीजों का कोई पैसा नहीं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा इसमें वर्किंग, जैसे वीकली होता है, जैसे किसी को मंडे होगा उस जैसे यूनिट बनाएंगे, अलग अलग ग्रुप बनता है उसमें। अब एक ग्रुप का आज छुट्टी है, एक का कल, तो कंपनी तो बंद होती नहीं। जैसे रेलवे में है, यहाँ भी देखो आईटी कंपनियों में डेली, अब एक साथ तो नहीं बंद हो जाएगी पूरी कंपनी, क्योंकि उससे कस्टमर से ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उसमें डिपेंड करता है वीकली, जैसे कंपनी मान लो 1000 आदमी है तो 10 आदमी की आज है, 10 आदमी की कल है, हाँ बैच वाइज सीरियल वाइज ऐसे रहेगा। हाँ किसी को इमरजेंसी पड़ गया तो ले लो, तो अगले हफ्ते कवर कर लो, ऐसे हो सकता है। वो पर्सनल है तुम्हारा और मैनेजमेंट का, ठीक है। बाकी वहाँ पे फीमेल स्टाफ भी है तो थोड़ा सा तरीके से, क्योंकि कानून इतना टाइट है, कोई बात हुई तो कोई सुनने वाला नहीं है, एकदम क्लियर में बता दे रहा हूँ। हमारी जिम्मेदारी वहां तक है जो कंपनी के रूल में चल रहे हो, और कंपनी की जिम्मेदारी वहां तक है जो कंपनी के गेट के अंदर के कानून है, गेट के बाहर कानून उस देश का है। वहां नहीं नहीं खोज वोज करोगे तो आप लोग जिम्मेदार हो, ठीक है। उसका क्या आविष्कार होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, कौन सा क्या होगा, वो जिम्मेदार आप। गेट के बाहर दुबई गवर्नमेंट के कानून चलते हैं, ठीक है। आप पब्लिक जोन में बैठ के दारू पियोगे, पब्लिक जोन में मारपीट करोगे, कोई धरना चल रहा है उसमें जाके मिल गए कि इंडियन बैठे, चार धरना कर रहे, हम भी इंडियन है बैठ गए, तो सारे उठेंगे तो उसमें तुम भी उठोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तरीके से बैठ के मैनेजमेंट से बात करो, नहीं सॉर्ट आउट हो तो हमसे बात करो, मगर वहां पे धरना, यूनियनबाजी, मारपीट ये सब करना एकदम सख्त मना है, ठीक है। अभी प्रीवियस हमारा एक कंपनी आजम होल्डिंग, बहुत बड़ा कंपनी, इससे भी बड़ा कंपनी है, 8-9 हजार आदमी है, जिसमें से कम से कम 3 हजार तो हमने भेजे। उस कंपनी में दो लड़कों ने मारपीट की थी, धरना वरना चल रहा था, कुछ ड्राईबाजी की थी, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। बाद में उधर एक आदमी गया आप राजस्थान का, नहीं सॉरी हरियाणा का, सुसाइड उसाइड किया था, कुछ ना वाइफ से कुछ भी लड़ाई झगड़ा रात में हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसी को लेकर के लड़कों ने उधर धरना प्रदर्शन किया, एम्बुलेंस आई बॉडी ले जाने, उसको लेने जाने दिया, पत्थर पुत्थर मारा एम्बुलेंस पे, आज शायद 17-18 महीने हो गया जेल काट रहे दोनों, कोई सुनवाई नहीं, कुछ पता नहीं कब छूटेंगे, ठीक है। तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम से रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम से बाहर इंडिया में अगर आप कहीं भी पत्थरबाजी करो तो पुलिस पकड़ेगी ना, कंपनी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कानून के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करना, बाकी उन कंपनी की इंटरनल चीज होगी हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी कंपनी में, अपने हम लोग कोई भी कंपनी का काम उठाते हैं तो पहले कंपनी को बहुत अच्छे से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6 साल का प्रीवियस रिकॉर्ड है हमारा, 6 साल में आते किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं रही हमारे, क्योंकि खुद ही छोटी मोटी कंपनी काम नहीं करते हो तरीके से, बैकग्राउंड चेक करके, ऐसा कोई इशू नहीं। आपके राजस्थान से ही सेम एजेंसी से आपके जीएमसी वाले जो है आशीष जी, इन्हीं के कम से कम 50 आदमी जा चुके हैं अभी पिछले 10 दिन में 15 में, कोई सिंगल कॉल नहीं किसी का, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इस ग्रुप में ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, इतना ग्रुप में कोई कंफ्यूज लड़के नहीं थे, इसलिए एकदम और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि बहुत लोग के हिसाब से नहीं होता तो बताओ, उसका हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट किसी के दिमाग में? यूनिफॉर्म मिलेगा सर? यूनिफॉर्म यार अभी यूनिफॉर्म का मुझे नहीं पता, एग्रीमेंट में नहीं है ना, यूनिफॉर्म मिलेगा कि कंची शीशा मिलेगा, तेल, ये कौन सा क्वेश्चन है बेहोजे वाला, मैं ये पूछ रही हूँ थोड़ी बहुत। नहीं सर, मैं तो वो कहता लेबर हो, कोई रिश्तेदारी में कोई है लड़का पढ़ा लिखा जो किसी आईटी कंपनी में काम करता हो, है तो क्या उसको कंपनी कपड़ा पहन के जाता है कि पहन के? मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, कोई रिश्तेदार में कोई आईटी में है कोई लड़का, उसको अपना टी शर्ट खरीद के जाता हुआ, पुमा हो, एडिडास का हो, लेवल पे पहन के जाता हुआ ना, मैन उस मान्यवर जो कंपनी का वो टी शर्ट पहन जाता है, देखो वाला ये सब कपड़े लेबर के होते, साइड पे जो काम करते हैं लेबर उनके लिए होते हैं, सेफ्टी डिवाइस के कपड़े होते हैं, जूता होता है, कैप होती है, क्योंकि पत्थर में लग जाएंगे तो वहाँ पे बॉर्डर पे थोड़ी काम करने जाए, ठीक है। आप लोग का कंपनी देगी तो अच्छी बात है, नहीं देगी तो ऐसा कोई आईटी में होता ही नहीं है, आईटी में खुद लड़के फैंसी होते हैं, अपने हिसाब से खरीदते हैं, अपने हिसाब से पहनते हैं, वो तो लेबर का होता है, भाई को सेफ्टी चाहिए होती है तो उनको मोटे वाले जूते पहना देंगे, सरिये में काम करना होता है, मशीनों के बीच में हेलमेट पहना लेते हैं, कुछ ऊपर से गिरा तो सही ना फूट जाए, तो ऐसी खतरा आ रहा है। ड्रेस का तो कोई मतलब नहीं है, देती है तो अच्छी बात है, नहीं देती तो हमें नहीं पता उसके, ना किसी ने आते कुछ, आप काम से रिलेटेड पूछो, सैलरी से रिलेटेड और कोई चीज कंफ्यूजन वाला पूछो, वो बोल रहा हूँ, जूता चप्पल मोजा कंघी और इसकी बात में नहीं, कमरा मिलेगा, बना बनाया खाना मिलेगा, जिम मिलेगा, एसी रूम होगा, लाइट बिजली पानी का बिल आपको नहीं देना, फ्री होगा, ये सब चीजें होंगी, उसमें कंघी मिलेगा, तेल मिलेगा, जूता मिलेगा, हमें नहीं पता, वो आप जानो कंपनी जाने, ठीक है।
हमारी जिम्मेदारी आपकी सैलरी से रिलेटेड है, 1500 प्लस खाना नहीं मिलता, हम जिम्मेदार उसको हम मैनेज कर देंगे, ठीक है। आपके 9 घंटे के बाद अगर वो एडिशनल काम कराती है उसका पे आउट नहीं मिलता आप बताइए, हम दिलाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। वीजा से रिलेटेड 2 साल में कोई इशू होता है हम जिम्मेदार है, हम करा देंगे, ठीक है। आप लोग अपनी वजह से ये सब बेवजह के क्वेश्चन, मैनेजमेंट में बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, कानून पढ़ोगे तो वो आप जानो, मैनेजमेंट जाने, उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं। कोई क्राइम करोगे, कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड वहां का बनाओगे अपना, मतलब कानून से बाहर जाओगे, पकड़े जाओगे, जेल जाओगे, तो एजेंट, ऑफिस, एजेंसी, कंपनी तक उसमें जिम्मेदार नहीं है। वहां के कानून के हिसाब से जो सजा होगी वो अपना भैया पूरी करना, आना नहीं आना गवर्नमेंट छोड़ेगी, वहां पे जितनी बड़ी सजा होगी सजा मिलेगी, सीधी सी बात, उसमें कोई भी नहीं होता सब जगह सर, जो क्रिमिनल होता उसको सजा। तो उसी लिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ उस केस में अगर बिल्कुल हम नहीं सुन सकते ना, हम कुछ कर भी नहीं सकते, सुनकर भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, एकदम क्लियर। कंपनी से रिलेटेड हमारी पूरी, आपके वीजा से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, सैलरी रिलेटेड, बोनस 2 साल पे आने का टिकट मिलेगा, जो एग्रीमेंट में, इन सब चीजों में हम जिम्मेदार हैं। इतना पे नहीं लग रहा कोई की जाते ही सब कुछ करने लगोगे, वो 10-15-20 दिन तक अच्छे से साथ में ग्रुप में रखेंगे, बताएंगे, सब कुछ करेंगे, हर चीज करके देंगे, उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर है कैसे आप चलते हो, ठीक है। प्रमोशन भी होता है हर जगह होता है, सही से काम करो। एक लड़के का इंटरव्यू में ही हो गया था, इंटरव्यू 1500 का दिया था, 1700 का ऑफर लेटर देख लेकर गया है। एक कोई लड़के का है ना अभी, अब शायद आपके टच में होगा, मोहम्मद जुनैद, उसका 1700 प्लस खाने का ऑफर लेटर आया, हमने तो इलेक्शन 1500 में कराया था, इंटरव्यू में ही प्रमोशन कर दिया उसका, उसको शायद टैली वगैरह का नॉलेज था, अकाउंट से रिलेटेड आदमी था वो, तो उसको इंटरव्यू लिया, उसने शायद जवाब दिया अच्छे से, बिहेवियर भी सही लगा, हमें भी नहीं पता था उसका 1700 का ऑफर लेटर, तो फ्लाइट के दिन दिखा रहा था 1700 लिखा है, तो मैंने भी कहा हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैंने कंपनी कंफर्म किया, नहीं हमने अपनी तरफ से दिया 1700 का, लड़के में लड़के को उसका अकाउंट का नॉलेज, तो जो कंपनी इतनी अच्छी है कि 1500 में सिलेक्शन दी जाए, हमारे पास एग्रीमेंट भी 1500 वालों का ही है, 1700 का कोई एग्रीमेंट नहीं कंपनी हमारा सैलरी है, कंपनी ने ज्वाइनिंग से पहले जब 1700 कर दिया तो सीधी सी बात है प्रमोशन तो कर ही सकती है, बट क्वालिटी होनी चाहिए ना, उसका कोई सिफारिश किया हमने ना कुछ किया, नॉर्मल जैसे सबने इंटरव्यू दिया, उसने भी दिया था वहीं फतेहपुर से ही, शायद लड़का भी था, 1700 सैलरी में गया मिला था ना, तो ये देखो सामने आपके साथ में, तो ऐसे ही है, बाकी कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आशीष जी भी अच्छे हैं, जो एजेंसी वाले हैं वो भी बढ़िया लोग हैं, यहाँ भी जुड़े हो तो जा रहे हो तो अच्छे होंगे, पता लग जाएगा फीडबैक आपको खुद ही, ठीक है। मैंने कुछ हाइड करके नहीं रखा, अभी भी कुछ है तो पूछ लो मुझसे एक बार, हो सारे का सब कंफ्यूजन क्लियर है, कोई डाउट आपको सर, नो डाउट, बाल वाल सही कर रहे, बड़ी देर से मतलब ही नहीं है क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, क्या पढ़ाई किया आपने, आप टीचर हो, टीचर स्टूडेंट एक साथ काम करोगे, पता नहीं कोई दिक्कत नहीं, हां नहीं हां संगीता पे लग रहा था, मैं जा के आते हैं, भैया रहते हैं दुबई में, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ओके, आप लोग रेडी हो, भेज दिया जाए, हां छुट्टी के लिए बोल दो, 1 साल के लिए, 1 ईयर छुट्टी के लिए, मतलब 2 साल, मैंने वीजा फाइनल 2 साल बोला है, छुट्टी 1 साल में मिलेगी, वो कंपनी का आपको आना है नहीं आना, काम करना है उसका, अलग से सैलरी लेना है क्या करना, वो कंपनी जाने आप जाओ, मैंने फाइनल वीजा बोला 2 साल का, ठीक है। हो सकता है अभी तो 3 साल भी स्टैम्प हो रहे हैं, कुछ वीजा हो सकता है 3 साल भी स्टैम्प हो जाए, तो 3 साल के मतलब आप 3 साल 2 साल तक तो है ही है, रहना चाहो तो आप 3 साल तक रहो, ठीक है। अभी कुछ वीजा लगभग 50% तो 3 साल में भी स्टैम्प हो जा रहे हैं, तो वो कंपनी का आप लोग का है, कंपनी भी रूल चेंज हुआ है कुछ का हो रहा है नहीं हो रहा, कंपनी अभी साथ करेगी, फिलहाल 2 साल तक कुछ जिम्मेदार है, ठीक है। और हाँ सबसे मैं एक चीज भूल रहा हूँ, 6 महीने का आपका नोटिस पीरियड होगा, 6 महीने से पहले कोई आता है तो एक लड़के पे एक वीजा कॉस्ट पे 4000 दिरहम प्लस टिकट का फाइन भी है, पता है ना कि एग्रीमेंट में मेंशन है ना ऑफर लेटर में, बिफोर 6 मंथ अगर डिप्लॉय होते हो तो हमें सीधे 4000 दिरहम का फाइन लगेगा सर, तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हम फोन करके मेल डाल देंगे, हम जिम्मेदारी कम काटो पीटो अपना वही रखो, तो 3-4 सैलरी कटवाओ चाहे जो मर्जी आपकी 6 महीने से पहले, हाँ अगर हमारी एग्रीमेंट में जो चीज है वो नहीं मिलती तो आप कल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम जिम्मेदार हैं, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी 6 महीने से पहले आ रहे हो, किसी की गर्लफ्रेंड की याद, बीबी की याद, बच्चे की याद, मन नहीं लग रहा है, तो वो आप लोग जिम्मेदार हो, घर के आओ, अगर हमारे एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमारे हमने जो बोला वो नहीं मिल रहा तो कल सारे चले, हम सबका भरने को तैयार है, ठीक है, जो पेमेंट देकर जा रहे सब लेकर जाओ, वो चीज वो है, बट एग्रीमेंट में जो है वो नहीं मिलता तो मिल रहा है उसके बाद भी 6 महीने में आना है पर्सनल रीजन से अपने, तो भैया वो फाइन भर के आना, ओके क्लियर, जाने को तैयार हो।
एग्रीमेंट अपने आप साइन किया, किसी दबाव में कोई कंफ्यूजन में नहीं साइन किया ना, सब चीज खुद ही किया हो ना, किसी दूसरे को नहीं किया? नहीं सर। इंटरव्यू भी खुद ही दिया आप लोगों ने? सब लोगों ने ना। कौन से इंटरव्यू? फतेहपुर और राजस्थान? फतेहपुर राजस्थान ना। नहीं सीकर के भी? नहीं नहीं आपके सेंटर के लड़के हैं ये या वो फतेहपुर? कुछ हमारे भी है फतेहपुर। मिक्स है ना? मिक्स है। ठीक है ओके ठीक है, फाइल दे दो फिर।